गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी यानी हानि रक्षा या क्षतिपूर्ति अनुबंध के बारे में पढ़ेंगे। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स का एक पार्ट है और इसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेक्शन 124 से लेकर 125 तक डिफाइन किया गया है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेक्शन 1 से लेकर 75 तक, इसमें कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड जो जनरल प्रिंसिपल हैं वो दिए गए हैं। इसके अलावा सेक्शन 76 से लेकर 123 तक जो प्रोविजंस दिए गए थे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल से रिलेटेड, बट 1930 के अंदर जो ये प्रोविजन थे इनको डिलीट कर दिया और एक नया एक्ट बना दिया जिसका नाम है द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 यानी वस्तु विक्रय अधिनियम 1930। और उसके बाद सेक्शन 124 से स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स स्टार्ट होते हैं जिसमें कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, तो ये सभी स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दिए गए हैं। इन सभी स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स में सबसे पहला जो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट है वो है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। अब देखिए, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का मतलब क्या होता है, इसका बहुत ही इजी मीनिंग है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि टू मेक गुड द लॉस, ठीक है ना, टू मेक गुड द लॉस। और आसान यदि हम वर्ड्स में बात करें, टू कंपनसेट फॉर लॉस, यानी जो लॉस है उसकी भरपाई करना, उसकी क्षतिपूर्ति करना, उसे ही हम इंडेमनिटी के नाम से जानते हैं। अब एक जो डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 124 में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का, वो क्या है कि एक कॉन्ट्रैक्ट इन विच वन पर्सन प्रॉमिस टू कंपनसेट टू अनदर ड्यू टू लॉस कॉज्ड बाई हिमसेल्फ, प्रोमिसर हिमसेल्फ और बाई एनी अदर पर्सन, ठीक है ना। यानी एक व्यक्ति है, वो दूसरे व्यक्ति से प्रोमिस करता है कि यदि उसे कोई नुकसान होता है खुद प्रोमिसर की वजह से या किसी अन्य की वजह से, तो वह उस व्यक्ति को कंपनसेट करेगा। यहाँ पर आप एक एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हैं कि जैसे मिस्टर एक्स है, उसने एक्स वाई जेड इंश्योरेंस कंपनी है उससे अपने घर का फायर इंश्योरेंस करवाया, ठीक है ना, अग्नि बीमा। जो एक्स वाई जेड इंश्योरेंस कंपनी है उसने मिस्टर एक्स से प्रॉमिस किया कि यदि मिस्टर एक्स के घर को आग की वजह से नुकसान होता है तो इंश्योरेंस कंपनी उसके लॉस की भरपाई करेगी। तो यहाँ पर जो मिस्टर एक्स है वो एक प्रकार से जो है इंडेमनिटी होल्डर है, और जो एक्स वाई जेड इंश्योरेंस कंपनी है जिसने प्रॉमिस किया है मिस्टर एक्स को कि यदि उसके घर को आग की वजह से नुकसान होता है तो वो उसको कंपनसेट करेंगे। तो यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी है उसको हम इंडेमनीफायर के नाम से जानेंगे। तो आप इस एग्जाम्पल के द्वारा समझ गए होंगे कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का मतलब क्या है। बहुत साधारण है, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का मतलब यदि किसी दूसरे पक्षकार का लॉस होता है तो उस लॉस को पूरा करने के लिए, कंपनसेट करने के लिए जो प्रॉमिस किया जाता है उसे हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के नाम से जानते हैं। अब देखिए, जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है उसमें जो दो पार्टी होती है, ठीक है ना, एक पार्टी का नाम होता है इंडेमनीफायर, ठीक है ना, और दूसरे का नाम होता है इंडेमनिटी होल्डर। इंडेमनीफायर का जो हिंदी में क्या कहते हैं इसको, हानि रक्षक, ठीक है ना, जो हानि के विरुद्ध रक्षा करता है। और जो इंडेमनिटी होल्डर है ये है लॉस बियरर, या फिर इसको जो प्रॉमिस किया जाता है, ठीक है ना, इंडेमनिटी होल्डर हानि रक्षा धारी। यहां पर देखिए, जो इंडेमनीफायर है वो प्रॉमिसर है और इंडेमनिटी होल्डर है वो प्रॉमिसी है। यानी
आप एक इसको समझ सकते हैं एग्जाम्पल के द्वारा, हम आगे और समझेंगे। इंडेमनिटी जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें दो पार्टी होती है, एक इंडेमनीफायर और दूसरा है इंडेमनिटी होल्डर। इंडेमनीफायर है वो प्रोमिसर होता है और जो इंडेमनिटी होल्डर है वो प्रोमिसी है, यानी इंडेमनीफायर है प्रोमिस करता है इंडेमनिटी होल्डर को लॉस से बचाने के लिए। ये लॉस किसकी वजह से हो सकता है, या तो स्वयं इंडेमनीफायर की वजह से हो सकता है या फिर किसी अन्य की वजह से हो सकता है। दोनों ही केस में जो इंडेमनीफायर है वो इंडेमनिटी होल्डर को ये प्रॉमिस करता है कि वो लॉस के केस में कंपनसेट करेगा। तो इस प्रकार से इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दो पार्टीज होती है, इंडेमनीफायर और इंडेमनिटी होल्डर, और इनको इस कॉन्ट्रैक्ट को हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के नाम से जानते हैं। अब इसको हम कुछ एग्जाम्पल के द्वारा और अच्छे तरीके से समझेंगे। वही इंश्योरेंस कंपनी का मैं यहां पर एग्जाम्पल ले रहा हूं। देखिए यहां पर मैंने इंश्योरेंस कंपनी लिया है और यहां पर क्या है, इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर। यहां पर ये जनरल इंश्योरेंस का एग्जांपल ले रहे हैं हम। देखिए जो इंश्योरेंस कंपनी है एक, और दूसरा है इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर। इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर है उसने अपने घर का बीमा करवाया है और ये 10 लाख का बीमा करवाया फायर इंश्योरेंस। यदि इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर है ना, यदि इसके घर को आग की वजह से नुकसान होता है तो बीमा कंपनी उसे कंपनसेट करेगी। तो यहां पर इंश्योरेंस कंपनी को हम इंडेमनीफायर कहेंगे और इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर है इसको हम इंडेमनिटी होल्डर या प्रॉमिसी के नाम से जानेंगे। तो यहां पर देखिए जो बीमा कंपनी है वो केवल यदि फायर की वजह से पॉलिसी होल्डर के घर को नुकसान पहुंचता है, कुछ लॉस होता है, तभी क्षतिपूर्ति या कंपनसेट करेगी। यदि कोई लॉस नहीं होता है तो इंश्योरेंस कंपनी किसी भी प्रकार का कंपनसेशन है वो इंडेमनिटी होल्डर है या प्रॉमिसी है उसको नहीं करेगी। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो ये जनरल इंश्योरेंस का एग्जांपल है, यहाँ मैंने लाइफ इंश्योरेंस का एग्जांपल नहीं लिया क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस में क्या है, जो प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी है वो अप्लाई नहीं होता, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस में ऑलरेडी जो एक प्रकार से जो अमाउंट दी जाती है, सम ऑफ अश्योर्ड का पेमेंट किया जाता है, बीमा राशि का भुगतान वो पहले से निश्चित है। निश्चित कैसे है कि 2 लाख रुपए, वो यदि आपने 2 लाख रुपए का लाइफ इंश्योरेंस लिया है तो वो आपको जरूर मिलेगी, ठीक है ना, चाहे वो मैच्योरिटी पीरियड के बाद मिले या फिर मैच्योरिटी पीरियड से पहले जो अश्योर्ड है बीमित उसकी मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो बीमा कंपनी मैच्योरिटी पीरियड से पहले भी सम ऑफ अश्योर्ड यानी बीमा राशि का भुगतान कर सकती है। तो लाइफ इंश्योरेंस में जो एक प्रकार से जो सम ऑफ अश्योर्ड है बीमा राशि है वो फिक्स होती है, परंतु जो ये जनरल इंश्योरेंस है जिसमें आप फायर इंश्योरेंस है, मरीन इंश्योरेंस है, मोटर इंश्योरेंस है, एक्सीडेंट इंश्योरेंस है, उसमें पैसा तभी मिलता है जब आपका लॉस होता है। अब आप लोग अपने बाइक का, अपने कार का जब इंश्योरेंस करवाते हैं वो सब जनरल इंश्योरेंस है। बीमा कंपनी केवल उस केस में कंपनसेट करने के लिए लाइबल है जब आप आपके गाड़ी का, बाइक का एक्सीडेंट होता है, कुछ लॉस होता है। यदि एक्सीडेंट या लॉस नहीं होता है आपको कुछ, तो बीमा कंपनी किसी भी प्रकार के कंपनसेशन देने के लिए जो है लायबल नहीं है। तो यहाँ पर आप एक
जो एग्जाम्पल है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का, इंश्योरेंस का एग्जाम्पल, जनरल इंश्योरेंस का, तो इसके माध्यम से उम्मीद है आपको समझ में आ गया। एक और एग्जाम्पल हम यहाँ पर लेंगे। ये शेयर ट्रांसफर से रिलेटेड है। यहां पर अब देखिए आपको मैं ये जो शेयर ट्रांसफर का एग्जांपल दे रहा हूँ उसमें दो पार्टी है, एक ट्रांसफरी है और दूसरा है कंपनी। आपका एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, जैसे आपके पास किसी कंपनी के 500 शेयर हैं और जो शेयर सर्टिफिकेट है वो एक प्रकार से गुम हो गए, ठीक है ना। आपके पास जो शेयर वारंट या शेयर सर्टिफिकेट थे आपने उनको खो दिया, ठीक है ना। ऐसी परिस्थिति में अब आप चाह रहे हो कि जो कंपनी है आपको डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट है वो इश्यू करे, ठीक है ना। शेयर सर्टिफिकेट क्या होते हैं, एक प्रकार से जो टाइटल डॉक्यूमेंट है कि जो शेयर है वो आप उनके ओनर हैं, ठीक है ना। तो आपके जो ओरिजिनल जो शेयर सर्टिफिकेट थे वो गुम हो गए और अब आप चाह रहे हैं कि आपको डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट मिले। तो यहाँ पर क्या है, आप जो एक प्रकार से ट्रांसफरी है, ठीक है ना, जो कंपनी है वो ट्रांसफरर है, जो आपको एक एक प्रकार से इश्यूअर है जो आपको शेयर सर्टिफिकेट अगेन इश्यू करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आप ट्रांसफरी और आपने रिक्वेस्ट किया शेयर ट्रांसफर के लिए, या फिर क्या हो सकता है डुप्लीकेट जो शेयर सर्टिफिकेट इशू करने के लिए कंपनी के पास, तो कंपनी ने कंपनी को क्या है कि एक रीजनेबल डाउट है। रीजनेबल डाउट क्या है कि हो सकता है कि आप कोई फ्रॉड कर रहे हैं, कि आपकी जो इंटेंशन तो नहीं है, ठीक है ना। आपके पास ऑलरेडी शेयर सर्टिफिकेट है, आप दूसरे शेयर सर्टिफिकेट है वो इशू कराना चाह रहे हैं, ठीक है ना। इसलिए कंपनी क्या कहती है आपको कि यदि आप हो सकता है कि यदि आप झूठ बोल रहे हैं, आपका इरादा कोई फ्रॉड करने का है ना, चीटिंग करने का है, तो हम शेयर सर्टिफिकेट जो डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट है वो आपको इश्यू कर देंगे, बट उससे पहले आपको लिख के देना पड़ेगा कि यदि आपने वो जो पुराने शेयर सर्टिफिकेट थे वो किसी को सेल कर दिए, ठीक है ना, और उसकी वजह से हमें कोई फ्यूचर में नुकसान हो सकता है, तो यदि आप उस नुकसान की भरपाई करने के लिए तैयार हो तो हम आपको जो है ये डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट है वो इशू कर सकते हैं। तो यहां पर क्या समझना है कि जो कंपनी है वो आपसे एक इंडेमनिटी जो बॉन्ड है वो फिल करवाएगी। इंडेमनिटी फॉर्म में आप क्या कहेंगे कि जो आपके पास जो पुराने या जो ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट थे वो गुम हो गए, लेकिन उनकी वजह से यदि कंपनी का कोई लॉस होता है तो आप उस लॉस को स्वयं जो है कंपनसेट करेंगे कंपनी को, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो इंडेमनिटी बॉन्ड है तो इसके आधार पर जो कंपनी है आपको शेयर सर्टिफिकेट है जो डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट है वो इश्यू करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप
जो कंपनी को प्रॉमिस कर रहे हैं वो किसकी वजह से लॉस हो रहा है, आपकी वजह से, ठीक है ना, क्योंकि आपने ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट है वो लॉस्ट कर दिए, खो दिए, और इसकी वजह से फ्यूचर में यदि कोई लायबिलिटी अराइज होती है, कोई दूसरा व्यक्ति वो आपके ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट लेके आता है और कंपनी को कहता है कि भाई इसके शेयर्स का ओनर तो मैं हूँ, और कंपनी को यदि कोई लॉस होता है उस केस में, तो आप उस लॉस की भरपाई करेंगे। तो यहाँ पर एक बात समझना है कि जो लॉस है वो स्वयं इंडेमनीफायर की वजह से भी हो रहा है, ठीक है ना, या होगा, तो उस केस में जो आप स्वयं कंपनी को, जो कंपनी क्या है, इंडेमनिटी होल्डर है और आपने उसको कंपनसेट करने का प्रॉमिस किया है। एक और एग्जांपल के द्वारा हम समझ सकते हैं कि जैसे एक प्रॉपर्टी ओनर है, ठीक है ना, वो अपनी प्रॉपर्टी को बेचना चाह रहा है और उसने अपने प्रॉपर्टी को बेचने के लिए जो प्रॉपर्टी एजेंट है उससे संपर्क किया, तो यहाँ पर प्रॉपर्टी का जो रियल ओनर है उसको हम प्रिंसिपल कहेंगे और जो एजेंट है प्रॉपर्टी डीलर या प्रॉपर्टी एजेंट उसको हम एजेंट कहेंगे। तो एजेंट है वो किसके बिहाफ पर कार्य कर रहा है, वो प्रॉपर्टी ओनर या प्रिंसिपल के बिहाफ पर कार्य किया है। यदि प्रॉपर्टी ओनर एक प्रकार से जो वैलिड कार्य करता है प्रिंसिपल के बिहाफ पर और उसके गाइडेंस के अकॉर्डिंग, तो इस केस में यदि थर्ड पार्टी से रिलेटेड कोई भी जो लायबिलिटीज अराइज होती है, कोई दायित्व उत्पन्न होता है, जो फ्यूचर में हो सकता है कि जो बायर है घर का, जो घर खरीदेगा आपसे, यदि वो कोई लायबिलिटी क्लेम करता है आपसे, तो उस लायबिलिटी को पे करने के लिए एजेंट लायबल नहीं होगा, बल्कि जो ओरिजिनल प्रिंसिपल है वो लायबल होगा। तो आप जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है इसको इंश्योरेंस का एग्जांपल लेके समझ सकते हैं। आप शेयर ट्रांसफर या इशू ऑफ डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट उसका एग्जांपल लेके समझ सकते हैं। जो प्रिंसिपल और एजेंट है उसका एग्जांपल लेके आप समझ सकते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है वो एक प्रकार का क्षतिपूर्ति या लॉस को कंपनसेट करने का एक कॉन्ट्रैक्ट है, और ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट तब होता है जब देखिए आप इंडेमनिटी बॉन्ड फिल करके देते हैं या इंश्योरेंस कंपनी से आप इंश्योरेंस परचेज करते हैं, तो उसको हम एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट के नाम से जानते हैं। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट जिसमें आप रिटर्न में या ओरली आप डिक्लेयर करते हैं कि इन केस ऑफ लॉस जो इंडेमनिटी फायर है वो आपको कंपनसेट करेगा। दूसरा क्या है कि ये इम्प्लाइड भी हो सकता है। इम्प्लाइड क्या है कि जो मैंने आपको बताया प्रॉपर्टी एजेंट है वो प्रॉपर्टी ओनर है, उसके बिहाफ पर जो प्रॉपर्टी को सेल करने का या किसी व्यक्ति को किसी व्यक्ति से परचेज करने में हेल्प करता है, तो उस केस के अंदर जो एक प्रकार से ये इम्प्लाइड जो कॉन्ट्रैक्ट है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का, कि जो उसका ओरिजिनल प्रिंसिपल है या प्रॉपर्टी का ओनर है वो थर्ड पार्टी के अगेंस्ट लायबल होगा यदि कोई लायबिलिटीज अराइज होती है इन नियर फ्यूचर। तो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। इसके बाद हम जो असेंशियल एलिमेंट्स है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के उसको भी पढ़ेंगे।